मॉर्निंग आज व्रत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज इसका तीसरा भाग का अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं और सॉल्यूशन। देखिए, प्रमेय 6, व्रत के केंद्र से किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को संविभाजित करता। बच्चों, आपको बताया था कि व्रत इसका केंद्र सी ओ और आर, यानी केंद्र ओ और त्रिज्या आर। ठीक, तो ये अब एक शब्द आया है जीवा। जीवा का मतलब होता है कि व्रत के कोई भी जो दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक, उनको जो मिलाने वाली सरल रेखा है व्रत की, क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ठीक, ओके। अब आगे ये प्रमेय, प्रमेय का मतलब होता है कि दिया है पहला पॉइंट सिद्ध करना है, थर्ड रचना और फोर पॉइंट्स उपपत्ति। ये चार पॉइंट्स से मिलके वो प्रमेय जो है वो सिद्ध होता है। ठीक, तो फर्स्ट क्या है? दिया, दिया है। ये इसी सेंटेंस से उठाएंगे। देखिए, व्रत के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब। चित्र में व्रत की जीवा ए बी, ठीक, ये क्या है? जीवा ए और बी। ठीक, इसी प्रकार इस चित्र में देखिए, ए से बी, ये क्या है? व्रत की जीवा। केंद्र ओ से, ओ से लंब ओ एम है। ठीक, ओ से लेके ये एम तक क्या किया है? एक रेखा खींची है, तो ये लंब कहलाता है। ठीक, अब सिद्ध करना है ए एम बराबर एम बी। ए एम, ए एम का मतलब है ए एम और एम बी के बराबर है। रचना ओ ए और ओ बी को मिलाए। ठीक, ओ से ए और ओ से बी, ये मिलाएंगे। ठीक, उपपत्ति, अब ये दो त्रिभुज तैयार हो गए। ठीक, तो त्रिभुज ए ओ एम, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ये एम ए ओ एम और बी ओ एम में, दूसरा त्रिभुज बी ओ एम में ओ ए बराबर ओ बी। ठीक, तो OA जो है ये व्रत की त्रिज्या है और OB भी व्रत की त्रिज्या है। ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज की तुलना की जा रही है। ठीक, तो ये पहला सिद्ध हुआ। दूसरा, OM बराबर OM, OM भी क्या है? व्रत की उभयनिष्ठ भुजा, तो ये भी हो गई उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा, कोण OMA बराबर कोण OMB, ओ एम ए, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है जो 90 डिग्री का है, ये समकोण। तो स्टूडेंट्स ने एक त्रिज्या ली है, भुजा ली है और कोण लिया है। तीनों चीज से समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से त्रिभुज ए ओ एम बराबर सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ एम के। अतः सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होंगी। ठीक, तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं होंगी ए एम और एम बी के बराबर होंगी। इतनी सिद्ध होंगी, ये क्या है? प्रूव हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रमेय में आपके चार पॉइंट्स का ध्यान। प्रमेय 11, एक अग्रव्रत में बना कोण संपूर्ण होता है। ठीक, अग्रव्रत, अग्रव्रत मतलब व्रत का आधा भाग। व्रत का आधा भाग जो है बिंदु ए और बी, ठीक, इस ओर जो बना हुआ है ये कहलाएगा व्रत का आधा भाग। इसको बोला है कि इसके बीच में जो बड़ा कोण है वो समकोण होगा। समकोण का मतलब होता है वो 90 अंश का होगा। ठीक, हल दिया है, सबसे पहला पॉइंट दिया है चित्र में व्रत का केंद्र ओ और ए ओ बी जो है व्रत का व्यास। व्रत ए ओ बी, ये कहलाएगा व्रत का व्यास ए बी और केंद्र बिंदु ओ। ठीक, तो ये व्रत का व्यास।
करना है कोण ए सी बी, ए सी सी कोण के बारे में बताया है, एक समकोण है, ये सिद्ध करने का मतलब ये उत्तर में लाना है। ठीक, उत्पत्ति मतलब होता है सॉल्यूशन। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड उत्पत्ति ना, थर्ड चाप ए सी बी, ये जो स्टाफ लगा है यहां से ए सी बी, ये कहलाता है चाप ए सी बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ए ओ बी और शेष वृत्त पर अंतरित कोण ए सी बी है। अतः हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक, केंद्र पर बिंदु O पर जो बना कोण है परिधि पर जो बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो दुगने कोण के लिए क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी, ये तो आपका हो गया व्यास। ठीक, और केंद्र पर बना कोण इज इक्वल टू होगा 2 इनटू, दुगने का मतलब 2 इनटू कोण ए सी बी, दुगने का ये हो गया। ठीक, परंतु कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये ए ओ बी 180 अंश के बराबर है, ये सरल कोण होता है क्योंकि, ठीक है, क्या होता है सरल कोण, हाँ ये कहलाता है सरल कोण। ठीक, ओके, तो एक और दो से समीकरण एक इसको मान लेते हैं और दूसरा ही एक और दो से होगा 2 ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब ए सी बी की वैल्यू निकालेंगे तो 180 बाय क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे उसे, तो क्या आएगा ए सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो 90 मतलब एक समकोण है, अतः जो ए सी बी है कोण ए सी जो बी है ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ओके, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। ठीक, चक्रीय समांतर चतुर्भुज दिया है, एक चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी, आप देख रहे हैं ए ए बी सी और डी। ठीक है, ये अब जो कि एक वृत्त के अंदर, ठीक, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है। ठीक, उत्पत्ति, जबकि ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, तो चक्रीय में एक विशेष गुण होता है कि दो जो कोण है आमने सामने के सम्मुख कोण वो 180 डिग्री के होते हैं। तो कोण ए इक्वल टू कोण सी इक्वल टू ए धन सी इक्वल टू 180। ठीक, ए और सी तो दो कोण है उनका योग होगा, ठीक है, 90 90 क्या होंगे ये दोनों, है ना, तो 180। अब लेकिन ए बराबर सी, कोण ए की वैल्यू जो है वो सी के बराबर है, जब कोण सी के बराबर है तो कोण ए प्लस सी के स्थान पे आ जाएगा कोण ए। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ टू पुट करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब कोण ए प्लस कोण ए क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो दो कोण ए इज इक्वल टू 180। ठीक, अब कोण ए इज इक्वल टू 180/2 हो जाएगा, तो 180/2 को कैंसिल करवाओ तो क्या आएगा 90 डिग्री, यानी कोण ए की वैल्यू क्या हुई 90 डिग्री। ठीक, तो ये यहाँ पे देखो आप कोण ए इक्वल टू सी इक्वल टू 90। ठीक, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अगर एक कोण बराबर 90 है तो दूसरा कोण भी 90 होगा। ठीक है, इसी प्रकार बी और डी में भी हम तुलना करेंगे, तो इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, बी और डी की जो वैल्यू है वो भी आएगी 90 डिग्री। ठीक है, ये देखिए बी
और डी, ये भी 90-90 के होंगे। समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं, अतः एबीसीडी का प्रत्येक कोण 90 अंश का है, अतः आयत जो होता है वो 90 अंश के कोण पे ही बनता है, इसीलिए एबीसीडी क्या है, एक आयत है, यह प्रमेय सिद्ध हुआ। नंबर चार, आकृति में कोण ए बी सी, ए बी और सी बी और सी एक रेखा खींचेंगे, ये ए और सी दूसरी रेखा खींचेंगे, ठीक है, 69 डिग्री का है, और बी जो है वो 69 का, ए बी एंड सी और कोण ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्री, ठीक, इस कोण की वैल्यू है 31 डिग्री, तो कोण बी बी सी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में BAC धन ABC धन BCA इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, ठीक है, तो BAC धन, अब ABC और ACB का जो है वैल्यू मालूम है, ठीक है, ये वैल्यू है BAC ABC, ABC की वैल्यू है यहाँ पे 69 ना, 69 दी गई है, और ACB 31, ठीक है, ये दोनों वैल्यू को रखेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक, क्योंकि आपको मालूम होगा कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग, एक सौ अस्सी अंश होता है, ठीक, कितना होता है 180 डिग्री, इसीलिए ये प्रमेय से लिया है, ठीक है, प्रमेय द्वारा 180 हो गया। अब BAC प्लस यहाँ 69 प्लस 31 करेंगे तो क्या आएगा, 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 100 को माइनस करेंगे तो 80 आएगा। अब एक ही वृत्त खंड में कोण बराबर होते हैं, ठीक है, तो BDC इज इक्वल टू हो जाएगा BAC और ये आएगा 80 डिग्री। आज आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में पढ़ा और समझा, ठीक है, आपको अपनी कॉपी में अच्छे से ये प्रमेयों को लिखना है, चित्र को बहुत अच्छे से साफ सुथरा बनाना है और अच्छे से